अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल कलर ऑफ लाइफ। आज हम लोग निकले हैं होली की देखने की क्या मौसम मौसम नहीं सॉरी क्या चल रहा है मार्केट में। और वैसे भी जब फेस्टिवल होता है तो कितनी रौनक होती है, हर फेस्टिवल में एक अपनी अलग ही रौनक है। और हम लोग आए हैं पुराने लखनऊ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं हम लोग अभी इमामबाड़ा की तरफ है, यहाँ पे घोड़े खड़े हैं। प्लीज़ मेरे ऊपर बैठ जाओ, कोई तो बैठ जाओ। और कितना ब्यूटीफुल मौसम हो रखा है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं और हॉर्स राइडिंग भी करते हैं। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जुप्पू, बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पर सब चीज़ तो बहुत अच्छी है, मगर वाह कितना ब्यूटीफुल है, सुपर। हाँ तो मैं कुछ कह रही थी, यहाँ पे तो हर चीज़ बहुत अच्छी है मगर मुझे ये रोड बिल्कुल भी नहीं पसंद, इतना खटर 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 करती है जो कि बहुत ही इरिटेटिंग है। मगर अगर आप पैदल हैं या बाइक कार हैं तो आपको इतना बेकार नहीं लगेगा, क्योंकि चीज़ें इतना समझ में नहीं आती हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो आता है आपको जब आप पैदल होते हो और आपको दूर वो क्या दिख रहा है, वो है हमारा घंटा घर। यहाँ पे भी पीछे ग्राउंड बना है, बहुत बड़ा सा फील्ड है, वहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी का भी बना के रखा है और फुटबॉल वगैरह भी है, हॉर्स राइडिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे भी व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, और इमामबाड़ा छोटे इमामबाड़ा पे भी इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ किसी को देना होता है, जैसे गरीब या रोड साइड लोगों को जो देते हैं कपड़ा खाना जो भी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आर्ट गैलरी है, वो जो बहुत दूर दिख रही है उधर, आर्ट गैलरी है। और आपको जो कैंप दिख रहे हैं, ये जब NRC चालू हुआ था तब से ये कैंप लगे हुए हैं और अभी तक हटे नहीं हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने मार्केट की तरफ, लेट्स गो। और हाँ, हम लोग जा रहे हैं, जब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं, पता है क्या, मुझे नहीं पता कि वो कौन है सब्सक्राइबर, जो कि बहुत ही क्यूट सब्सक्राइबर है, वो क्या करता है हमारे वीडियोस को जब भी देखता है वो सब्सक्राइब करते हैं। तो एक बार वीडियो देखेंगे तो सब्सक्राइब होगा, दोबारा देखेंगे तो वो अनसब्सक्राइब होता है। शायद उनको पता नहीं है, प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वापस से सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ओके थैंक यू, मैं समझ सकती हूँ आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट प्लीज़ ऐसी मिस्टेक ना करें। और अब हम लोग चौक पहुँच चुके हैं, मिश्रा जी की चाय और चाट भंडार लगे हुए हैं ये। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को कुर्ता लेना है, तो हम लोग आगे चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप हैं, अलग अलग तरीके की शॉप्स हैं। ये जे बेकर है, यहाँ पे आपको मतलब हमको यहाँ की केक बहुत पसंद है, तो मेरा फेवरेट है। और आर्यन के जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन लॉलीपॉप, सो यम, मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे जो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं, हमको पता चला है यहाँ पे मतलब मोस्टली पूरी वर्ल्ड में सप्लाई होता है चिकन का कपड़ा। एक शॉप के आदमी मिल गए हैं, वो हमको लेके जा रहे हैं जहाँ पे ऑल वर्ल्ड कहाँ पे सप्लाई होता है, वो आगे आपको बताएंगे क्या है। सब जगह दुनिया में सब जगह माल यहीं जाता है चिकन का। देखो कितना यहाँ से चला जाता है, अरबों का बिजनेस होता है। आप किसी से भी पूछिएगा, सिर्फ चौक से ही माल जाता है। ये गढ़ है यहाँ फैक्ट्री है। तो जैसा इन्होंने बताया, ये हब है, मतलब ये गढ़ है, यहाँ पे ऑल वर्ल्ड जहाँ चिकन का कपड़े जाते हैं, ये फैक्ट्री वगैरह है। तो चलिए इनकी फैक्ट्री में देखते हैं क्या ये बता भी रहे हैं सारी चीज़। कैसे बन रही है चिकन फैक्ट्री से माल सप्लाई होता पूरा यहाँ। और यहाँ पे पैकिंग चल रही है, अभी पूरा पैक हो रहा है, पूरा माल देखिए ऐसे पड़ा हुआ है और यहाँ पे सब पैक चल ही रही है। हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसे क्या है यहाँ पे, कितनी सारी है। वाह
और अलग अलग काउंटर बना है हर चीज़ का। चलिए देखते हैं। आपको वैसे भी जीन्स कुर्ते चाहिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के कलर्स हैं, कितने ब्यूटीफुल कलर है। वैसे मुझे वो ग्रीन वाला बहुत अच्छा लगा जो खुला रखा है, और उसी के शेड उसी का सेम कढ़ाई में ब्लू वाला मुझे अच्छा। तो यहाँ से अलग अलग जगह शोरूम में कुर्ता जाता है जैसे उन्होंने बताया। हम लोग कुर्ता ले चुके हैं। चलिए हम लोग चलते हैं बाहर। अब हम बाहर आ गए हैं। अब चलिए थोड़ा सा काशिफ बहुत जिद कर रहे हैं, उनके लिए पिचकारी ले लें। होली है तो बच्चों को थोड़ा मन करता भी है पिचकारी का। तो यहाँ पे ओपले बिक रहे हैं, गन्ना बिक रहा है, क्योंकि शायद जितना मुझे पता है होलिका दहन के लिए ये यूज़ होता है। और यहाँ पे कार्टून वाले फेसेस भी हो, गोल गप्पे कलरफुल बहुत सारे कलर हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं, देखते हैं काशिफ को क्या अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ी भीड़ है, ट्रैफिक है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काशिफ के लिए पिचकारी देखने। और यहाँ पे देखिए कितने वैरायटीज़ ऑफ इस पिचकारी हैं, कलर है। उसी तरह हमारे देश में अलग अलग तरीके के कल्चर हैं, फेस्टिवल हैं, जिसको लोग बहुत ही पीसफुली सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे ख़ास बात, लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मगर कभी भी हिंदू मुस्लिम को लेके कभी भी लड़ाई नहीं हुई, और इंशाल्लाह हो भी ना, क्योंकि ये फेस्टिवल जो भी होते हैं वो एक दूसरे को करीब करते हैं, ना कि एक दूसरे को दूर करते हैं। तो होप फॉर बेस्ट। फ़िलहाल हम अभी तो काशिफ के लिए शॉपिंग कर ही रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। पूछ रहे हैं कितना क्या रेट है और क्या है, देख लिए और भी देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। यहाँ पे खाली कलर्स हैं, तरह तरह के कलर्स हैं। और यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल दिख रहा है, यहाँ पे बहुत तरह तरह की पिचकारी हैं। काशिफ को पिंक कलर समझ में आता है, वो लेके वही बैठ जाते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी हैं। देखे कितनी बड़ी बड़ी पिचकारी आ गई, बाप रे बाप, मैंने तो कभी इतना देखा नहीं है हम लोग, क्योंकि हम लोग इतना खेले ही नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी और कितने तरह तरह के मास्क आ गए हैं। ये देखिए पिट्ठू बैग वाली भी पिचकारी आ गई बच्चों के लिए, गर्ल बॉयज जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, जिस तरीके के कार्टून में इंटरेस्ट है, हर तरीके की पिचकारी, तरह तरह की पिचकारी खरीदे और होली में होली मनाए। हम लोग काशिफ के लिए पिचकारी ले चुके हैं, आगे भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। जब आए हैं तो पूरा प्रॉपर वसूल करके जाना चाहिए ना। सब कितने मज़े से खड़े हैं, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ तो पूरा मास्क खप बना के रखा है इन्होंने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग को भूख लग गई तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते। वैसे भी यहाँ की कचौड़ी फुल्की और बहुत सारी चीज़ें बहुत लजीज होती हैं। और यहाँ पे जो फाउंटेन है उसके आगे जो, फ्रेंड्स आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और भी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं आपको होली की भी वीडियो दिखाऊंगी इंशाल्लाह।